मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 74 से सबसे युवा प्रत्याशी काजमी ने कराया अपना नामांकन। नामांकन कराने के बाद नाम शानू काजमी क्या कहा? एक समाज सेवी भी हूँ और भाजपा समर्थक में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आपने किस पार्टी से नॉमिनेट किया है और आपको किसी पार्टी ने टिकट दिया या निर्दलीय है? देखिए, मेरा छोटा भाई है हसन काजमी, उसे वार्ड 74 घेसिंग मुट्टी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी का और यहाँ के सभी एम मंत्री का और मेयर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारे भाई का जो है नाम भेजा और उसे नॉमिनेट किया और भाई हमारा वार्ड 74 से चुनाव लड़ेगा और वहाँ पर जो भी समस्याएं हैं वो पूरी दूर करने का काम करेंगे। हम जीतकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा दिखाया, हमारे जो पार्टी के लिए काम किए गए हैं उसको देखते हुए पार्टी ने जो हम पर भरोसा जताया, हम पार्टी खड़े उतरेंगे और अपने क्षेत्र में विकास का जीतने के बाद विकास का कार्य आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे शहर के। और वैसे तो हम शहर भर में काम करते ही रहते हैं, सब जानते हैं कि आप जगह जगह देखा जाता है कोरोना काल से लेकर जैसे भी हम लोगों ने काम किया। अब हमारा भाई जो हसन काजमी को टिकट मिलने के बाद वो भी लगातार एक्टिव रहता है और वो पार्षद बनने के बाद अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास करेगा और लोगों के हितों के लिए कार्य करेगा। देखिए, IMC के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो कहते हैं BJP जो है मुसलमानों को जो है पिछड़ा समझते हैं और उनको मतलब किसी प्रकार की सहायता नहीं करती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्पसंख्यक से हैं आप और BJP ने आपको टिकट दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके तहत काम कर रही है और कहने वाले तो आलोचना करते ही हैं, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी साहब जो है अल्पसंख्यकों के लिए भी सोच रही है। यही वजह देखिए, हमारे भाई को टिकट दिया गया, 9 लोगों को बरेली शहर से मुस्लिम चेहरों का टिकट दिया गया, ये सब उनकी एक अफवाह है और क्या कहते हैं और कुछ नहीं हो बैठी साहब जी की। लेकिन ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सबके लिए काम कर रही है और सबके लिए सोच रही है, अल्पसंख्यकों के लिए भी सोच रही है। अगर अल्पसंख्यकों के लिए नहीं सोचती तो भारतीय जनता पार्टी से किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन काजमी है जी। कौन से वार्ड से आपने पर्चा भरा है? मैं वार्ड 74 घेसिया मिट्टू से पर्चा भरा है मैंने। और किसी पार्टी ने टिकट दिया आपको या निर्दलीय खड़े जी? भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त किया और मैं सारे पार्षद उम्मीदवार 80 पार्षद उम्मीदवार से सबसे कम एज का उम्मीदवार मैं घोषित किया गया। अच्छा। जिससे मुझे अपनी पार्टी पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है और मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से हर जान जोखम सब चीज़ों से लगा के आज मैं टिकट लेकर आया। मैं उस पार्टी अपनी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान पेश करता हूँ, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद पेश करता हूँ।